स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 बट देयर सम इज मोर देन 11। तो देखिए, हमें ऐसा पेयर हमें पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर का फाइंड आउट करना है कि जिनका जो सम है वो 11 से ज्यादा है बट वो जो नंबर्स इंडिविजुअली कैसे हों, 10 से छोटे हों। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, देन अदर विल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो पेयर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा इसका एक्स कॉमा एक्स प्लस टू। ठीक है, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, देखिए जो इसमें लिमिटेशन है, x लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, जो आपका x जो होना चाहिए वो किससे, 10 से छोटा होना चाहिए। और जो दूसरा नंबर है x प्लस टू, ये भी आपका 10 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, ये तो आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसको अभी हम सिंप्लीफाई और करेंगे। सब्ट्रैक्ट टू ऑन बोथ साइड्स, आप एड माइनस टू भी कर सकते हैं, एक्स प्लस टू माइनस टू लेस देन 10 माइनस टू। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा एक्स लेस देन 8 मिल जाएगा। ठीक है, एक्स लेस देन 8 मिल गया है ये हमें। ओके, तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन 2। अब देखिए, From equation 1 and 2, ठीक है, अभी देखिए नहीं, अभी आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पर ही हम कुछ कह पाएंगे, सिर्फ इन दोनों से नहीं कहेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बोल रही है कि जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आपका ग्रेटर देन 11 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, आपका जो पेयर है वो क्या है, x कॉमा एक्स प्लस टू है, दैट मीन्स सम क्या हो जाएगा, x प्लस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस टू ग्रेटर देन 11। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट टू ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस टू माइनस टू ग्रेटर देन 11 माइनस टू। ठीक है, तो ये आपका 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो x आप क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन ये आपका हो जाएगा 4.5। प्लीज मेक श्योर, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, अब देखिए, आपका जो x है, देखिए 10 से छोटा होना चाहिए, 8 से भी छोटा होना चाहिए, बट यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर आपका बोल रहा है कितना, ये आपका x ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, तो देखिए, हम इसको इक्वेशन अगर 3 मान ले, ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को अगर ध्यान दें, इक्वेशन 1 को आप अभी
के लिए भूल जाइए, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए कि जो नंबर चाहिए वो कितना 8 से छोटा चाहिए, हमको नंबर 8 से छोटा चाहिए, और फर्स्ट में बोल रहा है 10 से छोटा चाहिए, तो जो भी नंबर हम 10 से छोटा लेंगे वो किससे 8 से अपने आप ही छोटा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ऑन बेसिस ऑफ इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा, ये जो आपका x है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, आपका जो x है वो आपका 4.5 से लेकर के 4.5 से लेकर के कहां तक लाई करेगा 8 तक लाई करेगा। ठीक है, तो ये उस इनइक्वालिटी की रेंज है जिसमें जो हमारा x लाई करेगा, बात समझ रहे हैं, x हमारा 4.5 से लेकर के हमारा 8 तक लाई करेगा। अब देखिए फॉर द केस ऑफ इंटीजर, भाई ये आपका 4.5 तो नहीं हो सकता, 4.5 हम नहीं ले सकते हैं, हमें जो लेना पड़ेगा वो कितना लेना चलेगा पड़ेगा वो 4.5 से ज्यादा ही लेना पड़ेगा, और इसमें हम इवन भी नहीं ले सकते, यानी हमें 6 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसमें 6 हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 5, ठीक है, देन आपका जो क्या हो जाएगा पेयर हो जाएगा, पेयर आपका क्या था, पेयर आपका था x, x+2, ये आपका हो जाएगा 5, 7 हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप इसको, x इज इक्वल टू 5 अगर आप ले सकते हैं तो आपका 5, 7 आएगा एट x इज इक्वल टू 7। देखिए हम यहां पर 6 को नहीं रख सकते क्योंकि हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो 6 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इवन हमें नहीं रखना है, हमको ऑड लेना है, तो x इज इक्वल टू 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देन पेयर x, x+2 ये आपका क्या हो जाएगा, जब हम आपने 7 लिया है तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, x+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं। अब आप इनको देख लीजिए कि देखिए ये दोनों ही नंबर आपके 10 से छोटे हैं, दोनों ही नंबर आपके 10 से छोटे हैं, और इसमें क्या बोल रहा है कि इनका जो सम है वो भी कितना आ रहा है, वो भी आपका आपका 10 से ज्यादा आ रहा है, सॉरी 11 से ज्यादा आ रहा है, इन दोनों का सम 11 से ज्यादा आ रहा है, और ये दोनों ही नंबर कैसे हैं आपके 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।